नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल एसके करियर पॉइंट। जी हाँ फ्रेंड्स, आज आपको पता होगा बिहार सीसीएच का पेपर कंडक्ट कराया गया था और यहाँ पे आप देख सकते हो इग्नू के द्वारा ये पेपर कराया गया था। दोस्तों, स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया कि एग्ज़ाम इतना हार्ड था, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बहुत ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे। दोस्तों, आज आपको पता है 4 तारीख 30वें महीने यानी कि मार्च में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। इसकी हम आंसर की लेके आएँ और आप देख सकते हैं आपने कौन कौन से क्वेश्चन सही किए, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे गलत हो गए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपके लिए सारा कंप्लीट पेपर कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने आंसर मैच करो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड आए थे ऐसा स्टूडेंट्स के द्वारा बताया गया था। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन थे और आप अपने जल्दी से आंसर मैच कर सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज इज कॉल्ड एज। दोस्तों, मैं आपके लिए आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको एक बार अच्छे से आंसर बता देता हूँ कौन कौन से एग्जैक्ट आंसर होने वाले हैं। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का आंसर बात करें दोस्तों, यहाँ पर पहला जो है ए इसका आंसर होगा पब्लिक हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे, अटेनिंग पर्सनल वेगर एंड मेंटल वेलबींग एज वेल एज मेंटेनिंग कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप टू प्रमोट कंग्रिटी। क्वेश्चन आपके लिए तीसरा होने वाला है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया था वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो होते हैं हेल्थ पे इफेक्ट पड़ते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट पूछा गया है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। तो दोस्तों, आपको पता है रेस डायरेक्ट होता है, जेंडर भी डायरेक्ट होता है और एज भी डायरेक्ट होता है। यहाँ पर लिटरेसी जो होता है ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड नंबर का यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, एडिशनल विजिट फॉर लो बर्थ वेट बेबी कैन बी डन एट। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, एक एक्स्ट्रा विजिट कौन सा होता है लो बर्थ वेट बेबी के लिए, यानी कि LBW वेट बेबी वेट होते हैं, तो उससे रिगार्डिंग पूछा गया है कौन से दिन पर एडिशनल विजिट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए सिक्वेंस से जो है ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऑप्शन पहला है यहाँ पे 42 डे, 28 डे और 7 डे और 22 डे। दोस्तों, आपको पता होगा सेकेंड जो है आपका ऑप्शन सही होने वाला है। यहाँ पे 7 डे पे जो एडिशनल विजिट करते हैं LBW बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइथिल कार्बामेजेपाइन कार्बामार्जिन DEC, इसको शॉर्ट में DEC के नाम से बोलते हैं। दोस्तों, यह सब सेंटर पर भी मेडिसिन उपलब्ध है, तो इसका क्या आंसर होने वाला है। दोस्तों, DEC हम किसके लिए देते हैं, यहाँ पे आपको पता होगा सबको, DEC दोस्तों फाइलेरिया के लिए देते हैं। ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल फॉर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन मींस। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, पॉल्यूटर पे होता है जो, इसका जो प्रिंसिपल होता है प्रिवेंशन क्या होने वाला है। चलिए इसका क्या आंसर होने वाला है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों ने इसका आंसर सही दिया होगा। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस देखने को मिलेंगे अलग अलग। तो साथियों, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शंस ए। यहाँ पे आपका जो आंसर है ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे पॉल्यूटर विल पे द कॉस्ट ऑफ डैमेज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, और जितने भी ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे रॉन्ग माने जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपके लिए अच्छे तरीके से क्वेश्चन सर्च करके देखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे ही क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, आप अपने आंसर मैच कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ट्रेकोमा जो कंडीशन होती है, ट्रेकोमा बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। आप सबको पता होगा ट्रेकोमा वाटर बॉर्न डिजीज है, लेकिन किस तरीके से होता है, वाटर से रिलेटेड किस कंडीशन में होता है। दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन आपको अलग अलग देखने मिलेंगे। यहाँ पे उसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, वाटर वॉश डिजीज। ये जो ट्रेकोमा होता है दोस्तों, ये वाटर वॉश डिजीज होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी ने इसका आंसर सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन इज डन बाय ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे सिंड्रोम आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड सभी हैं, लेकिन एक को छोड़कर। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, आपका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये रिलेटेड होगा किससे, ऑप्शन 4 यानी कि डिस्क्राइबिंग एपिडेमियोलॉजिक मेथड्स। किससे रिलेटेड होगा ये, डिस्क्राइबिंग एपिडेमियोलॉजिक मेथड। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्थ्रोपॉड सच एज मॉस्किटो और फ्लाई विच मे कैरी और कॉज डिजीज ट्रांसमिशन इज ऑल्सो टर्म एज। दोस्तों, आपको पता होगा ये कॉमन टर्म है आर्थ्रोपॉड। आर्थ्रोपॉड क्या होते हैं दोस्तों, कैरियर नहीं होता, होस्ट नहीं होता, फोमिटाइज सॉरी
फॉर्मिटीज नहीं होते, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेक्टर होते हैं दोस्तों। जो आर्थ्रोपोड सच एज मॉस्किटो, जो मॉस्किटो वगैरह होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायबिटीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज़ आर एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे डायबिटीज़ के बारे में और कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इसको शॉर्ट में CHD भी बोल सकते हैं, तो ये कौन सी जो है एपिडेमिक का एग्जाम्पल है, यहाँ पे एपिडेमिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, इसका हम आपको सर्च करके दोबारा से बताएंगे, लेकिन आपको भी कमेंट करके बताना है कि आपने इस क्वेश्चन का जवाब क्या दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर एलिजिबल सब्जेक्ट विच द हेल्प ऑफ फर्स्ट एलिजिबल सब्जेक्ट इज नॉन एज। दोस्तों सैम्पलिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया भी था सैम्पलिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन फोर, स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है दोस्तों ये, ठीक है, क्या आंसर होने वाला है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों सीक्वेंस से टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि जैसे सैम्पलिंग से दो क्वेश्चन आ गए, उसी तरीके से अलग अलग टॉपिक्स के वाइज, जैसे आपने क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे टॉपिक वाइज, उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सैम्पलिंग सैम्पलिंग टेक्निक इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ प्रेडिफाइंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट फ्रॉम स्पेसिफाइड सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों सब ग्रुप जो पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आपके लिए ऑप्शंस अलग अलग देखने को मिलेंगे, तो उसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या होने वाला है, वो स्नोबॉल सैम्पलिंग। दोस्तों स्नोबॉल सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, और सैम्पलिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है दोस्तों, और वो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल आर बेनिफिट्स ऑफ सेग्रेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एक्सेप्ट। यहाँ पे दोस्तों सभी बेनिफिट्स हैं किससे रिगार्डिंग, सेग्रेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट रिगार्डिंग, केवल एक को छोड़कर, ठीक है, केवल एक को छोड़कर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो बेनिफिट्स नहीं करता है सेग्रेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन सी, इंक्रीज पेशेंट्स पार्टिसिपेशन, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि थर्ड नंबर का। आगे बात कर लेते हैं, एक्सपायर्ड एंड डिस्कार्ड मेडिकेशन मेडिसन्स शुड बी थ्रोन इन वन ऑफ द फॉलोइंग। कौन से जो है बैग में एक्सपायर्ड मेडिसिन और डिस्कार्ड मेडिसिन जो है कौन से बैग में डिस्कार्ड करनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपके लिए अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आपको पता होगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, येल्लो में, ठीक है, ये क्वेश्चन सभी ने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ फूड एक्सेप्ट। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं फूड के केवल एक को छोड़कर। तो दोस्तों फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं केवल एक को छोड़कर, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन बी, इंक्रीज वेट, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, और सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं इसको छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फूड प्रोटीन। आपको पता होगा दोस्तों प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाई जाती है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, सभी ने किया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या होगा, एग होगा, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, एग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 16 क्वेश्चन हो गए, 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच एक्ट एज डाइट्री फाइबर। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा है, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो काम करता है किसका, डाइट्री फाइबर का, कार्बोहाइड्रेट विच एक्ट एज डाइट्री फाइबर, डाइट्री फाइबर के रूप में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है वो काम करता है दोस्तों सेलुलोज काम करता है इसका, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फोर, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल फूड आर पुअर सोर्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। एनिमल सोर्स में सभी चीज़ें पाई जाती हैं अच्छे तरीके से, लेकिन एक चीज़ नहीं पाई जाती, वो क्या नहीं पाई जाती दोस्तों, विटामिन सी, क्या नहीं पाई जाती, विटामिन सी नहीं पाई जाती। विटामिन बी भरपूर मात्रा पाई जाती है, विटामिन ए भी होता है और फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी की कमी होती है किसमें, एनिमल फूड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इज पल्स में भी इम्प्रूव बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ आयरन इन पल्स मे बी इम्प्रूव बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन फोर, इसका करेक्ट आंसर होगा कंज्यूमिंग मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड टू रिप्लेनिश आयरन अमाउंट लॉस्ट ड्यूरिंग डिलीवरी एंड लैक्टेशन बाई ए नॉर्मल हेल्दी वुमेन। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ ईयर कितने साल रिक्वायर्ड होती है रिप्लेनिश आयरन अमाउंट लॉस्ट ड्यूरिंग डिलीवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एक साल में, क्या आंसर होने वाला है इसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एक साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रम एक्सेप्ट। सभी कोलेस्ट्रम आपने पढ़ा होगा दोस्तों,
ब्रिस्ट मिल्क जो स्टार्टिंग में होता है, तो कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम के सभी फंक्शंस हैं केवल एक को छोड़कर। तो यहाँ पे वो क्या ऑप्शन है आपका, क्या करेक्ट होने वाला है इसका? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी होने वाला है, ठीक है। माइल्ड पर्गेटिव दोस्तों एंटी इन्फेक्टिव होता है ये, प्रिवेंट जॉन्डिस को भी रोकता है और कंटेन विटामिन बी मोर देन मैच्योर मिल्क। तो ये जो इसका ऑप्शन है ये सही होने वाला है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं यहाँ पे, क्वेश्चन 21 हो गए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, मिल्क कर्ड एंड लस्सी फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग फूड यूज इन कम्प्लीमेंट्री फूडिंग। तो यहाँ पे दोस्तों मिल्क कर्ड और लस्सी के बारे में पूछा गया है, यह किस तरीके का फूड है? तो दोस्तों अगर इस फूड की बात की जाए तो यहाँ पे ये ऑप्शन 4 होगा, प्रोटेक्टिव फूड होता है। आप देख सकते हो जो कर्ड होता है, मिल्क होता है और लस्सी होती है, ये दोस्तों प्रोटेक्टिव जो है फूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम विजिबल फैट ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक शुड बी। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सेकंड होना चाहिए, लेकिन चेक किया था तो 30% सर्च में आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। आपको आप भी कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन में आपने क्या जवाब दिया है, इसका हम आपको बाद में क्लियरिटी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ इज करेक्टर वाइज वाई ऑल एक्सेप्ट। दोस्तों पैराग्राफ के बारे में आपने पढ़ा होगा, यहाँ पे 4D साइन होते हैं इसके पैराग्राफ के, तो इनमें से एक नहीं है। यहाँ पे आपके लिए देखने को मिलेंगे डर्मेटाइटिस होता है, डेमेंशिया भी होता है और डायरिया भी होता है, डिजीनेस नहीं होता। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम डिफिशेंसी। दोस्तों कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सी कंडीशन अराइज होती है? आपको पता होगा कैल्शियम की कमी से दोस्तों मसल्स क्रैम्प्स होते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस ए इसका करेक्ट आंसर। कन्वर्जन नहीं होगा, नंबनेस ऑफ आर्म नहीं होगी और ब्रिटल नेल्स नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन केसरी दाल हैज वन ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिन। दोस्तों केसरी दाल जो होती है कौन सा एक ऐसा टॉक्सिन रखती है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ के लिए? तो यहाँ पे आपके लिए अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा, बीटा ऑक्सालिल अमीनो एलेनाइन। क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ डेंजर जोन फॉर फूड। दोस्तों टेम्परेचर ऑफ डेंजर जोन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो डेंजर जोन होता है टेम्परेचर ऑफ डेंजर जोन फॉर फीड। तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 5 to 60 सेंटीग्रेड। ठीक है कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए 27 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्टोर आइटम एक्सेप्ट। तो दोस्तों सभी जो है मैनेजमेंट ऑफ स्टोर आइटम के ऑप्शंस हैं यहाँ पे केवल एक को छोड़कर, वो ऑप्शन कौन सा है दोस्तों इनमें? वो ऑप्शन होने वाला है दोस्तों फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट। क्या आंसर होने वाला है? ऑप्शंस 2। ठीक है दोस्तों आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम बताने की कोशिश करेंगे और आपको सारा पेपर इस वीडियो में आपको करवाएंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 अनदर नेम ऑफ सैंड फ्लाइज। दोस्तों सैंड फ्लाई का एक और नाम क्या होता है, आपने पढ़ा होगा सैंड फ्लाई के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन 2 फ्लेबोटोमस अर्जेंटिस अर्जेंटी पीस। ठीक है क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो गया है दोस्तों। उसके बाद में 30 कार्लोस इन्फेस्टेशन इज ऑल्सो नोन एज, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कार्लोस इन्फेस्टेशन जो होता है दोस्तों ये किससे रिगार्डिंग होता है? यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो ये क्वेश्चन दोस्तों पेडिक्लोसिस प्यूबिस से रिलेटेड होता है, कार्लोस इन्फेस्टेशन। ऑप्शन इसका जो पहला है वो सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। दोस्तों लेप्रोसी में सभी ड्रग दी जाती हैं केवल एक को छोड़कर, आपको भी पता होगा दोस्तों लेप्रोसी में रिफामसिन दी जाती है, क्लोफाजीमाइन दी जाती है, उसके बाद डेप्सोन तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 4 की इसका करेक्ट आंसर होना इथामबुटोल नहीं देते हैं, किसके लिए? लेप्रोसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है द एजेंट यूज फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो एंड इट्स लार्वाइज। दोस्तों कौन सा एक ऐसा एजेंट है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल करता है मॉस्किटो और उसके लार्वा को रोकने के लिए? तो दोस्तों इसके लिए गम्फूसिया यूज़ में लेते हैं। ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है गम्फूसिया होगा, ऑप्शन ए इसका पहला आंसर है। उसके बाद में बात कर लेते हैं चिलियूरिया इज ए मैनिफेस्टेशन यूजली एक्सेबिट इन ए पेशेंट ऑफ। चिलियूरिया किस जो मैनिफेस्टेशन है वो किस कंडीशन में देखी जाती है? दोस्तों आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, मलेरिया में देखा होता है चिलियूरिया। ठीक है इसका जो है आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो दोस्तों जल्दी से हम लेके आएंगे आपके लिए।
ठीक है, अब की वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आएंगे आपके लिए, आपको सारे क्वेश्चन उसमें कराने को देखने को मिलेंगे, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे आपको क्वेश्चन, आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। अगर आप नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो जो लेके आऊँगा मैं वो आपके लिए, उसमें भी आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं आपके लिए, धन्यवाद।